गुजिया के लिए आटा बनाना शुरू कर रहे हैं फ्रेंड। मैंने इसके लिए 1 किलो मैदा लिया है और 1 कटोरी रिफाइंड को मैंने गरम कर लिया है, इसका हमें मॉइन लगाना है इसके अंदर, और 1 कप दूध गरम किया है। सबसे सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं आटा दूध से लगाऊंगी, इससे गुंजिया बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। सभी लोग पूछते हैं कि आपकी गुंजिया इतनी अच्छी कैसे बनती है, तो ये मेरी माँ की रेसिपी है। वो हमेशा आटा दूध से बनाती थी और गुंजिया बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती थी। अब हम आटे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे को थोड़ा साइड कर लेंगे। धीरे धीरे इसके अंदर हम रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड थोड़ा गर्म है इसलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पहले, और धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। हाथ जलने का डर रहता है, बहुत तेज मैंने गर्म नहीं किया है, फिर भी ऐसे हमें धीरे धीरे डालना है। और मैंने थोड़ा सा रिफाइंड फिर डाल दिया है और हम कढ़ाई को अभी एक तरफ रख दे रहे हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब एक बार मिक्स हो जाएगा फिर हम हाथ से मिक्स करेंगे आटे को। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम हाथ से, मैंने थोड़ा सा रिफाइंड बचाया हुआ है, पहले हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे मसल मसल कर। ये हमें बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाना है। अभी हम इसके अंदर बचा हुआ रिफाइंड फिर डालेंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मैंने एक साथ इसलिए नहीं डाला कि पहले थोड़ा मिक्स हो जाए और उसके बाद फिर हम दोबारा से डालें। अब हाथ से फिर दोबारा मिक्स करना शुरू करेंगे। हाथ से मिक्स करने में आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, अच्छा बनता है। तो कोशिश कीजिए आप हाथ से जितना ज़्यादा मसल मसल कर ये घी और आटे को हम अच्छे से मिक्स करें। एक यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बता देती हूँ कि जब हमारा मैदा और रिफाइंड अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम अगर हाथ में लेके ऐसे उसको दबाते हैं तो हमारा ये एक लड्डू की फॉर्म में बंध जाता है। तो यानी कि हमारा मोइन बहुत अच्छे से लग गया है, इससे ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत नहीं है। अब हम धीरे धीरे दूध डालेंगे और आटे को बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। जब हमारी मम्मी गुंजिया बनाती थी तो वो कहती थी आटे को ऐसे मुक्की बोलते थे कि मुक्की दे के बनाना चाहिए, तो आटा हमारा बहुत ही अच्छा और मुलायम बनता है। तो इसको मैं जितना ज़्यादा मसलूंगी उतना ज़्यादा आटा हमारा अच्छा बनेगा और गुंजिया उतनी ही अच्छी बनेगी। देखो फ्रेंड्स, हमारा आटा एकदम बढ़िया बन गया है और अब हम इसको गोल करते हैं अच्छे से। हल्का सा घी अपने हाथ पर लगाएंगे और आटे को चारों तरफ से कवर कर देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे आटे को। मैं इसी कढ़ाई के अंदर निकाल ले रही हूँ और आटे को हम ढककर रखेंगे। 10 मिनट रखा रहने देंगे, फिर हम गुजिया बनानी शुरू करेंगे।